अभी पूरा राजनीति जो माहौल चल रहा है उसके अंदर सभी लोग बसपा से जुड़ना चाहते हैं, ये बसपा से जुड़ना है या एससी एसटी ओबीसी को लुभाने का काम करना चाह रही हैं सभी पार्टियां, उसके बारे में बताएं। आपने बड़ा बढ़िया सवाल किया है जी, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी आशंका बिल्कुल 100% सही है जी, कि अगर ये वास्तव में एससी एसटी ओबीसी जी मतलब शूद्र समाज को यदि अपने नजदीक तक लाना चाहते थे तो आज से पहले क्या हो गया था। 1984 से पहले, बसपा के बनने से पहले भी जी बाबा साहेब का दिया हुआ संविधान भी था जी, बाबा साहेब का फोटोग्राफ भी था जी, बाबा साहेब के द्वारा लिखे हुए वॉल्यूम भी थे, उनके द्वारा लिखी हुई अन्य पुस्तकें भी थी, उन पर लिखी हुई भी अन्य पुस्तकें भी थी जी, लेकिन बाबा साहेब का कभी इन्होंने नाम नहीं लिया जी। तो आज बाबा साहेब का नाम लेकर के ये उसी तरीके से लुभाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो बामसेप वाले लोग हैं हम समाज को जागृत करने का काम कर रहे हैं जी। कि एक धाय होती है जी। एक माँ होती है जी। धाय कभी भी माँ हो नहीं सकती। अच्छा, ये धाय क्या है? धाय ये होता है कि बच्चा जिसने पैदा किया जी उसको पालने पोसने का काम दूसरा जो करता है उसको धाय कहते हैं, तो उसका लगाव उस बच्चे से उतना नहीं होता है, केवल मात्र स्वार्थ की खातिर, चाहे तो वो उसके बदौलत वेतन ले, चाहे उसके बदौलत और कोई सम्मान हासिल करे, चाहे उसकी बदौलत आज राजनीतिक क्षेत्र में सत्ता हासिल कर ले उनके नाम पर, बाबा साहेब के नाम पर झूठ फरे भी झूठ साथ बोल करके, तो ये तो हो सकता है। जबकि हम समाज को बामसे वाले लोग ये जागृत करने का काम कर रहे हैं कि मोदी साहब उन 2014 से पहले गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मंच से ये नहीं बोला कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर की बदौलत आज गुजरात का मुख्यमंत्री बना। उन्होंने 2014 में जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, उन्होंने तब भी ये नहीं बोला अपने किसी भी डायलॉग में कि आज मैं बाबा साहेब की बदौलत भारत का प्रधानमंत्री का पद की शपथ ले रहा हूं। तो ये सब कुछ बाबा साहेब के नाम को भुनाना तो चाहते हैं, हमको प्रलोभन तो देना चाहते हैं, लोभ लालच में डाल करके उलझाना चाहते हैं, फंसाना चाहते हैं, बहलाना चाहते हैं, लेकिन हम बामसेप के लोग भी पूर्णतः जागरूक हैं कि हम आप जैसे अच्छे मीडिया वाले लोगों के माध्यम से जो दीन ईमान की बात कर रहे हों, नहीं तो मैं तो आपको भले ही एक बात अजीबोगरीब लगेगी कि आज मीडिया मुद्रा की रखेल हो गई है जी। आज जो टीवी चैनल्स हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं, और मेरी निगाह में तो वो बिके हुए लोग नजर आ रहे हैं। नहीं तो जो सच्ची बात है, दूर चार होते हैं तो बात क्यों नहीं कहते कि भाई 2014 से पहले भी आप लोग जब मुख्यमंत्री थे तब भी बाबा साहेब का नाम था, तब आपने उनके नाम पर क्यों नहीं कुछ किया, 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने कौन सा काम कर दिया है। अभी जब हम लोग, मैं रास्ते में आ रहा था तब लोग मेरे से चर्चा कर रहे थे कि भाई इस देश में तो एक गांधी जी भी हैं, आप कैसा मानते हैं। हमने कभी गांधी जी ने तो आजादी के लिए कोई काम ही नहीं किया जी। क्या तो दिल्ली में तो उनका बहुत बड़ा नाम है, राष्ट्रपिता की पदवी दे दी। अरे भाई, राष्ट्रपिता की पदवी लोगों ने वैसे ही मूर्खपने में दे रखी है, कहीं लिखित में नहीं है आज तक जी, राष्ट्रीय रिकॉर्ड में नहीं है जी। क्या तो उनके लिए देखिएगा कितना बड़ा राजघाट बना दिया। अरे भाई, उनकी सत्ता है, बना दें कुछ भी बना दें। तो अगर सही मायने में ये सारे के सारे लोग बहुजन समाज के कहीं कल्याण चाहते थे, उसके मान सम्मान में कोई काम करना चाहते थे, बाबा साहेब को सच्चे मायने में याद करना चाहते थे, बाबा साहेब के सच्चे समर्थक और अनुयायी बनना चाहते थे, तो बाबा साहेब को भी कहीं ना कहीं इनको दिल्ली में इस तरह की भी जगह देनी चाहिए थी, अन्यथा तो सब कोरा झूठ है और बहुजन समाज को बहकाने की इनकी साजिश है, प्लानिंग है। लेकिन हम लोग भी संकल्प लिए हुए हैं कि जितनी ताकत है पूरी क्षमता का इस्तेमाल करके अपने साथियों को समझाएंगे, बहुजन समाज को समझाएंगे कि ये लोग धाय के रूप में नकली बात करते हैं, असली रूप में तो बहुजन समाज पार्टी ही आपकी हितैषी है, माननीय बहन जी ही आपकी हितैषी है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।